छप्पन शैली। डॉरोथी फर्नांडिस आशय अभियान के निदेशिका सर सचिव। आज शिक्षा दिवस मना रहे हैं आप लोग, क्या क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारी ये जो बच्चियां हैं, हम लोग ये सिलाई केंद्र चलाते हैं कम से कम 10 जगह में, पटना के शहरी इलाका, गरीबी इलाका में, और हम लोग उन लोग को एक साल का ट्रेनिंग देकर उतना सक्षम बनाते हैं कि वो लोग छोटा मोटा अपना रोजगार शुरू करते हैं। और खुशी होती है कि पिछला साल हम लोग ने 170 बच्चियों को सर्टिफिकेट दिया और उनमें से कम 25% बच्चियाँ अपना काम शुरू कर रही। तो एक तरह से वो लोग उनको हुनर प्राप्त करके वो लोग परिवार की आमदनी में अपना सहयोग दे रहे हैं। कहाँ कहाँ की हैं सब बच्चे? कहाँ कहाँ के बच्चे लोग? ये बच्चियाँ हैं चितकोरा से, दीघा से, बाजीपुर से, घाटपर से, गायघाट से, भूतनाथ रोड से। तो ऐसा 10 जगह में हम लोग का सेंटर चल रहा है। कई जगह में 2 शिफ्ट पर चल रहे, क्योंकि अभी कोरोना के कारण तो कोई कोई सेंटर में 40 लड़की लोग हैं, कोई कोई सेंटर में 30 लड़की लोग हैं। लड़कियों लोग को कुछ सिलाई मशीन वगैरह भी देती हैं आप? उन लोग को प्रेरित करते हैं कि सिलाई सीखते समय गुल्लक में पैसा बचाने के लिए, और अगर आधा पैसा ये बचाते हैं तो आधा पैसा हम लोग देकर मशीन दिलाते। आज भी 5 बच्चियों को मशीन है, उन लोग को देंगे हम लोग जो पिछला साल का बैच है। ये नया साल अभी हम लोग ने अप्रैल में शुरू किया है। तो ये है कि जीवन में हम लोग पहले जन्म लेते परिवार में, वही प्रथम पाठशाला है जहाँ पर हम लोग जीवन के मूल्य सीखते हैं। दूसरा पाठशाला है स्कूल, प्रशिक्षण जगह में हम लोग केवल लड़की लोग को सिलाई नहीं सीखते हैं, सिखाते हैं हम लोग उनको जीवन किस तरह जीना है। जीवन एक संघर्ष है, जीवन का अर्थ है संघर्ष। तो किस तरह जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों की शादी हो जाएंगी, सबसे बड़ा समस्या है बहू बेटी की, बहू सास की। तो घर में हम लोग बच्चे लोग को यही कहते हैं आत्मनिर्भर बना रही हैं, आत्मनिर्भर। और दूसरा है कि विचारधारा बदलना। मेरा नाम दिलीप पटेल हुआ, मैं आश्रय अभियान का सदस्य हूँ। कैसे बोले ना? और आज हम लोग शिक्षक दिवस जो मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, तो इसमें जो शिक्षक होते हैं, जो हमारे सिलाई सेंटर चलती है, जो शिक्षिका है वो मार्गदर्शक है। सिस्टर ने जैसा कि बताई कि मार्गदर्शक माने कि जीवन को कैसे जिया जाए, मार्गदर्शन का काम वो शिक्षिका ही कर सकती है। शिक्षक जो होते हैं वही कर सकते हैं, जो कि हम लोग करते हैं। और हम लोग वैसे माने छात्राएं जो आश्रयहीन है, जो सलमों में रहती है, उसको प्रशिक्षण देकर स्वावलंबन के क्षेत्र में सराहनीय काम हम लोग कर रहे हैं, और उसमें कि भविष्य उनका संवारने का काम हमारी शिक्षिका कर रही है। इस उपलक्ष्य में हर साल हम लोग शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं और इस साल भी मना रहे हैं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिलीप पटेल हुआ। मैं गायघाट से आई हूँ। गायघाट से? हाँ। किस लिए आई हैं यहाँ पे? यहाँ पे जैसे टीचर डे मनाया जा रहा है ना, उसमें हम सबको सम्मिलित होने के लिए बुलाया गया था। आप क्या सीख रही हैं? सिलाई सेंटर में मैम सिखा रही हूँ। कैसा है? अच्छा है? बहुत अच्छा सिखा रही हूँ। आज आप लोग को यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? कौन सा मशीन? सिलाई मशीन। क्या नाम हुआ आपका? बच्चे लोग को क्या क्या सिलाई है, पढ़ाया, क्या क्या सिखाती है? हमारे यहाँ हम टीवी टायर सिलाई सेंटर में चलाते हैं में। यहाँ पे दो चीज चलता था, छोटे बच्चों के स्कूल भी चलाते थे और सिलाई। अभी कोरोना के कारण बच्चे का भी बंद नहीं। हाँ हाँ। तो दो सिर्फ सिलाई में चलाते हैं, वही ये बच्चे। मेरा नाम श्रुति कुमारी है, क्लास 11th में हूँ। सिलाई से आई हूँ अम्बेडकर कॉलोनी से। कितना दिन सिलाई? हम अप्रैल में ज्वाइन किए थे और अभी 5 महीने हुआ है। बहुत अच्छी सिखाती है मैम हम लोग को, बहुत ही अच्छी है। और सिलाई के साथ साथ में ना हम लोग को और कुछ भी क्लास दे देती है और मनोरंजन भी हो जाता है कुछ कुछ, और बस ही रही।